हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों वैकेंसी जारी कर दी गई है। इस फॉर्म के डिटेल के बारे में हम बात करेंगे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया। इसमें आपको जो पोस्ट नहीं मिलेगा मैकेनिक का, आपको पोस्ट मिलेगा। फॉर्म को अप्लाई करने का जो मोड है दोस्तों, ऑफलाइन अप्लाई करना है, कहाँ पर सेंड करना है, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल्स पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है किसके द्वारा वैकेंसी जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दोस्तों वैकेंसी जारी किया गया। आपको पोस्ट नेम मैकेनिक की मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, 3 मार्च से ये आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, जो कि इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन के माध्यम से करना है अप्लाई। इसका जो लास्ट डेट रहेगा 22 अप्रैल 2020 तक आप इस फॉर्म को बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जनरल और ओबीसी के लिए जो फी पेमेंट करना है दोस्तों, बिल्कुल 0 रुपये, यानी कि आपको फी नहीं पेमेंट करना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आप आएंगे, यहाँ पे आपको फी जो है वो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। एंड गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका जो एज लिया जाएगा, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एज में छूट भी दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की इसमें आपको छूट मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे जो आपको दोस्तों पोस्ट मिलेगा नॉट मेंशन की गई है, यानी कि अभी तक पोस्ट जो कितना है वो जारी नहीं किया गया। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देंगे वीडियो के एंड में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाएंगे और उसमें जो भी डिटेल्स है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यहां पे आपको जो पोस्ट नहीं मिलेगा मैकेनिक का, आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। फॉर्म को अप्लाई करने का मोड जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इस फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से करना है, सबमिट बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको इस फॉर्म को करना है पोस्ट। हु कैन अप्लाई दोस्तों, यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी गाइस यहाँ पे जो आपको मिलेगा 17,200, ये है आपका पे स्केल स्टार्टिंग। लास्ट जो है आपका 35,400 रुपये पर मंथ गाइस है आपका पे स्केल। जॉब लोकेशन जो रहेगा दोस्तों ऑल ओवर इन इंडिया आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो आपको इंडिया में ये कहीं भी जॉब करनी पड़ेगी। दोस्तों क्या होगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन, तो देख सकते हैं आपको अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है, 10वीं का आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आईटीआई का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं के साथ आईटीआई का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट को सबमिट करने के लिए। दोस्तों फॉर्म पोस्ट करने का जो एड्रेस है यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल एड्रेस, यानी कि पोस्ट करने का जो एड्रेस है यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, ये है एड्रेस। आपको एक लिफाफे में पैक करके अपना पूरा डिटेल्स इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आप चाहे तो रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, ये हमको बहुत कमेंट करके पूछते हैं कि किस माध्यम से करना है, तो आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन मोड क्या होगा दोस्तों, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका होगा सिलेक्शन। एंड गाइस आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर एंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अप्लाई करने के लिए दोस्तों बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो फॉर्म है उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे ये है फॉर्म ऑफलाइन। आपको यहाँ पे क्लिक करके जो फॉर्म का पेज है, जो अप्लाई करने का जो फॉर्म है उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन को हम करते हैं डाउनलोड। ओके, ये है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया, जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। जो डिटेल्स हमने आपको यहाँ पे बताया है सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैकेनिक आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगा, मैकेनिक मैकेनिकल, इसमें आपको कई प्रकार के पोस्ट है जो कि आपको ग्रुप सी के लेवल पर यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट जो है सब कुछ आपको मेंशन की गई है और जो भी जानकारी यहां पे आपको मेंशन की गई है सारा कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है इसमें का। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग का कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। गाइस जय हिंद।